हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक चेयर का रिव्यू। जैसे कि आपने मेरा पिछले साल का भी वीडियो देखा था तो काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं मेरे पास अभी भी उस वीडियो पे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ फाइनली एक और रिव्यू शेयर कर देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर मैंने जो चेयर खरीदी थी उसका फीडबैक मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने कमेंट्स में भी आप लोगों को रिप्लाई दिया था कि उसको ना परचेज करें, बिकॉज उस टाइम पर मैं कुछ बजट का देख रही थी। तो मेरा 5000 का बजट था तो मैंने उस बजट में मंगाई थी और समहाउ बिल्कुल भी वर्क नहीं करी अच्छे से, तो मुझे लगा कि मतलब 5000 की भी अगर मैं खरीद रही हूँ तो मेरे लिए वो वेस्ट ही था, क्योंकि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, पूरे दिन आराम से नहीं बैठ के काम कर पा रहे थे। 2 दिन के बाद ही उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। तो जो भी कोई मेरे से पूछता था कमेंट्स में कि मैं ये वाली चेयर ले लूँ क्या, तो मैं उनको कह देती थी ये नहीं, ये ठीक नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि बाद में रिव्यूज़ पूछे जा रहे थे मेरे से काफ़ी। तो अभी जैसे कि पता ही है कि काफ़ी सारे IT कंपनीज का आया, तो जो और भी फील्ड्स हैं उनका वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। इसका फीडबैक मैं आपके साथ अच्छे से शेयर कर सकती हूँ, बिकॉज इसको यूज़ करते हुए मेरे को 10 months हो चुके हैं, क्योंकि मैंने उसी टाइम पे ही जस्ट एकदम ये वाली परचेज कर ली थी और ये काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है। तो अगर आप कुछ चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना, क्योंकि काफ़ी सारे उस टाइम पे भी आए थे कि मुझे लो बजट में चाहिए 5000 से और भी कम में, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली है। तो अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा हायर रेंज में जाना चाहते हैं तो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ, थम्स अप है, क्योंकि 10 महीने से इसको यूज़ करते हुए हो गए हैं एंड कोई शिकायत नहीं आई है, कुछ नहीं आया है, कंफर्टेबल है। मतलब कि 8 से 9 घंटे का हमारा काम चलता है मेरे हस्बैंड का, तो वो ऑलरेडी इस पे ही बैठ के करते हैं और फिर उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे एडिटिंग वगैरह करनी होती है। तो ये हमारी एक तरह से 12 से 14 घंटे के आसपास यूज़ हो जाती है ये चेयर एंड कंटिन्यूसली 10 months हम इसको रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी बैकएक नहीं होने देता है। तो मेरे ख्याल से तो वो ज़्यादा अच्छी प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा हायर रेंज में जा रहे हैं और हमारे लिए कंफर्टेबल है, हमारी बैक को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आई थिंक ये बेस्ट डील है हमारे लिए। तो ये चेयर का मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एंड आई अब मैं आपको उसके फीचर्स बता देती हूँ। तो सबसे पहला फीचर मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लाइक आप आराम से फ्रीली इस पे काम कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है या फिर मैं इस पे बैठने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे बार बार इधर 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 उधर होना पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से बैठ के इस पे काम कर सकते हैं और हाइट इसकी ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग अच्छे से आ जाती है, एडजस्टेबल भी है, आप अगर इसको नीचे करना चाहते हैं नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर करना चाहते हैं ऊपर भी कर सकते हैं। देन इसके जो ये हैंड रेस्ट हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं, इनकी शेप जो है वो भी बहुत ही अच्छी है, ओवल काइंड ऑफ शेप है इनकी और साथ में इनमें मिल जाता है एडजस्टेबल फीचर, लाइक अगर आप इसको ऊपर करके बैठना चाहते हैं तो ऊपर भी करके बैठ सकते हैं और नीचे रखना चाहते हैं तो नीचे भी रख सकते हैं। मुझे इसकी ये वाली पोजीशन ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज इस पर आराम से ऐसे रख सकते हैं और अगर आप लैपटॉप पे भी या टेबल पे रख के काम कर रहे हैं तो आराम से हो सकता है। एंड इसका आप कलर कॉम्बिनेशन देख ही सकते हैं, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बो है तो बहुत ही परफेक्ट जाता है। तो आपको जैसे कि पता ही होगा कि मैं जैसे कि हॉल वीडियोस करती हूँ, मेरे बेसिकली रिव्यूज़ रहते हैं कुर्ता प्लाजो सेट के, तो मैं ऑब्वियसली कलर कॉम्बिनेशन के लिए भी काफ़ी डेस्परेट रहती हूँ कि अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसमें आपको 4 कलर शेड्स मिल जाते हैं, तो मैंने तो रेड वाला मंगाया है और आप अपनी पसंद से मंगा सकते हैं। लाइक इसका जो बैक रेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा है, मैश फैब्रिक होता है उसका बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड स्वेट प्रूफ होता है, इसमें बिल्कुल भी आपको पसीना नहीं आता, ब्रीदेबल होता है, तो आप बिल्कुल कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। देन पीछे से कुछ इसका स्ट्रक्चर है इस तरह का, देन ये बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा ये फ्लैप है, जब आप इस पे बैठते हैं तो ये पीछे से अच्छा सा सपोर्ट देता है और चाहे तो आप इसको और भी टिल्ट भी कर सकते हैं, तो आराम से आप टिल्ट होके भी बैठ सकते हैं, बट मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर एक अच्छा सा पोस्चर लेना चाहिए, टिल्ट वाला नहीं लेना चाहिए। एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाता है ये हेडरेस्ट एंड ये भी एडजस्टेबल है, लाइक इस तरह से तो हो ही जाता है, लाइक इसकी हाइट भी एडजस्टेबल है, आपको जिस तरह ही किसी किसी को यहाँ पे अपना सर रखना होता है, मतलब काफ़ी हाइट पे करके अपना सर रखना होता है, तो उस तरह से है और काफ़ी अच्छी सपोर्ट देता है आपकी नेक को भी और आपके हेड को भी, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा पार्ट लगा जो कि उसमें नहीं था, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी। और ये विदाउट हेडरेस्ट भी मिलता है, तो आपका अपना ऑप्शन है कि आप विद हेडरेस्ट लेना चाहते हैं या विदाउट, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप विद लेना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, सपोर्ट अच्छे से मिलती है नेक एरिया पे, बेसिकली जिनको सर्वाइकल की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो थोड़ा सा नेक को भी रेस्ट मिल जाता है। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ सीट की कुशनिंग जो है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है, लाइक 10 months से हम इस पर रेगुलरली बैठ रहे हैं और बहुत ही स्मूथ है, बिल्कुल भी मतलब पेन नहीं होता है, कंफर्टेबल रहते हैं जैसे कि आप किसी गद्दे पे बैठे हो, तो उस तरह की ही फील आती है और अच्छा रहता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको उसका नीचे वाला पोर्शन भी एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्लाइड के लिए
लिए है, लाइक अगर आपको आगे करना है पीछे करना है तो उसके लिए है ये हैंडल। एंड देन यहाँ पे आपको दूसरी साइड में मिल जाता है ये वाला हैंडल जो आपकी हाइट को एडजस्ट करता है, लाइक अगर आपको थोड़ी सी ऊँची करनी है तो इस तरह से हो जाता है, नीचे करना है तो जब आप बैठोगे तो उस पर प्रेस हो जाएगा आराम से, नीचे दबाओगे तो। फ्रेंड्स इसमें आपको मिल जाते हैं 5 व्हील्स एंड काफ़ी अच्छे हैं और अच्छे से मूव हो जाते हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा इसके नीचे आप मैट बिछाएं, बिकॉज थोड़ा सा वो अनईजी सा हो जाता है बिना मैट के, क्योंकि एकदम से भागने लग जाती है इधर उधर। तो मैट बिछाओगे तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है एंड काफ़ी अच्छी है, मजबूत है, हैवी काफ़ी है, वैसे हैवी नहीं है, मतलब आप आराम से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर आप अकेले इसको उठा रहे हैं तो नहीं उठेगी, तो मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि थोड़ी सी हैवी है। तो फ्रेंड्स ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है एंड इसके लिए मैं अभी आपको पूरी अच्छे से श्योरिटी दे सकती हूँ कि आप आराम से ले सकते हैं। एंड मैं आपको बता भी देती हूँ मैंने कहाँ से ली है, ये मैंने अमेजन से ली है, थोड़ा सा बजट इसका हाई है, आई थिंक 13,000 के आसपास की है। तो फ्रेंड्स चेयर का ब्रांड मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है बिकॉज इट्स अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो एंड ये है विप्रो से, तो सारा परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं भी अपने आप ही ट्राई कर रही हूँ चेयर्स का, जो मैंने पिछली बार रिव्यू किया था उसमें मैंने अपने आप ही सर्च की थी एंड काफ़ी हेडेक हो जाता है, सर्च करो उसके बाद मंगाओ, उसके बाद मंगाने के बाद अगर ख़राब निकलती है तो फिर वो एक हेडेक, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने जब फाइनली अब मैं इस पर स्टिक हो चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिव्यू मिल रहा है इसका, तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है एंड इसका अच्छे से मैं रिव्यू भी दे पा रही हूँ अब तक, क्योंकि 10 महीने से यूज़ कर रही हूँ तो इसका मैं फ्रैंकली आपको अच्छे से रिव्यू दे सकती हूँ। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और आई डोंट नो कि कब तक चलता रहेगा, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि आपके साथ ये रिव्यू शेयर कर दूँ, थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी वीडियो। अगर होती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरा रिव्यू कैसा लगा और आपके लिए बेनिफिशियल हुआ कि नहीं हुआ। एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, लाइक अगर किसी और को भी नीड है, किसी को भी खरीदना है तो वो देख सकें और उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।